देखो, जब हम लोग हेरिडिटी की बात करते हैं तो हेरिडिटी में हम लोग को क्या पढ़ना है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब हेरिडिटी को डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, या फिर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कहानी यह है कि अगर वंश की आंखें अपनी मम्मी जैसी है तो वो कैरेक्टर कहाँ आया, उसको मम्मी से वंश में है, तो मम्मी से वंश में कैरेक्टर आए वो कैसे आए, पापा वाले कैरेक्टर क्यों नहीं आए, या मासी के क्यों आ गए, नाना नानी के क्यों आ गए। अरे ये बात समझ में, ये जो सारी कहानी रहती है ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हेरिडिटी में पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब देखा जाए तो तुम लोग सब इंसान ही हो, हरकतें तुम्हारी जानवरों जैसी है पर तुम हो तो इंसान। ठीक है ना, तो सबके पास दो आंख है, एक नाक है ना, दो कान है, यानी कि तुम्हारी बॉडी का जो बेसिक डिजाइन है, तुम्हारी बॉडी का जो बेसिक डिजाइन है वो बेसिक डिजाइन क्या है, सेम। लेकिन बेसिक डिजाइन सेम होने के बाद भी तुम्हारे अंदर क्या है, कुछ डिफरेंसेस है। जैसे जो यश की आंखें हैं और जो वंश की आंखें हैं ये अलग अलग है, और जो धुनी की नाक है और अनुष्का की नाक है ये भी क्या है, अलग अलग है, लेकिन है सबके पास एक ही नाक और दो आंखें। तो बॉडी बॉडी डिजाइन तो क्या है, सेम है जी, बॉडी डिजाइन तो क्या है, सेम है। लेकिन हम लोगों ने क्या बोला कि जब ये चीज होती है क्या कि इसी बॉडी डिजाइन में कुछ, तो हम लोग बोलते हैं डिफरेंस इन कैरेक्टर्स अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। जिस तुम सारे के सारे होमोसेपियंस हो, सबका बॉडी डिजाइन क्या है, सेम है, लेकिन सेम होने के बाद भी तुम क्या हो, अलग हो। क्यों अलग हो? ठीक है, तो वो आपकी आंख का कलर हो सकता है, आपके बाल हो सकते हैं, आपकी नाक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है ना, अब वेरिएशन के हिसाब से देखें तो दो तरह के ट्रेट्स होते हैं। कितने तरह के ट्रेट्स होते हैं? दो। एक होते हैं क्या, इनहेरिटेड, और एक होते हैं अक्वायर्ड। इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन से ट्रेट्स होते हैं? ट्रेट्स दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाएं। अक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होते हैं? ट्रेट्स दैट आर अक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मतलब क्या हुआ कि जब मैं जिंदा हुई, मतलब जब मैं पैदा हुई, उसके बाद से मैंने लिखना सीखा, उसके बाद मैंने स्केटिंग सीखी, उसके बाद मैंने स्विमिंग सीखी, जो जो चीजें मैंने, जो जो ट्रेड्स मैंने क्या करे अपने लाइफ टाइम में अक्वायर करी। मिस्टर एक्स टेंशन बहुत लेते थे तो उनको डायबिटीज हो गया, ये भी क्या है, अक्वायर्ड ट्रेड है, वो पैदा से ही हुए थे। अरे बात समझ में, लेकिन टेंशन लेने की वजह से क्या हो गया, डायबिटीज। तो ये सारे क्या होते हैं, अक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं। तो इनहेरिटेड ट्रेड जो रहते हैं वो जेनेटिक वेरिएशन में रहते हैं। जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या होता है कि वो आपके बॉडी के उन जीन्स में रहेंगे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, और इनहेरिट अक्वायर्ड ट्रेट्स क्या रहते हैं, क्योंकि मुझे स्विमिंग आ गई तो मेरे बच्चे को ऑटोमेटिकली स्विमिंग आ जाएगी क्या? नहीं, उसके बच्चे को ऑटोमेटिकली स्विमिंग आ जाएगी क्या? नहीं। तो वो सारे क्या होते हैं, सोमैटिक वेरिएशन होते हैं। सोमैटिक वेरिएशन मतलब क्या, वो आपके हाथ पैर के सेल्स में आते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसमिट नहीं होते। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स कैसे जाते हैं, म्यूटेशन से आते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट से आते हैं, या फिर रीशफलिंग ऑफ जीन्स आते हैं। जैसे फादर और मदर की जीन्स क्या होती है, रीशफल होती है, उसके बाद जाके बच्चा बनता है। और अक्वायर्ड ट्रेट्स क्यों आते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि एनवायरमेंट के हिसाब से अब मुझे उस ऑर्गन की जरूरत नहीं है तो अब वो ट्रेट मेरे पास नहीं रहेगा। जैसे हमारी टेल बोन है, वो ओवर द ईयर्स क्या होती गई, छोटी होती गई। क्यों? क्योंकि इंसानों ने पेड़ों पर पे लटकना छोड़ दिया, तो इंसान क्योंकि पेड़ पे नहीं लटकते तो उनको टेल की जरूरत नहीं होती है। तो जो रामा मैन था, नियांड्रिटल मैन था, इनमें तो भी टेल बिन क्या थी, थोड़ी थोड़ी बड़ी थी। जनरेशन बाय जनरेशन ये क्या होती जा रही है, शॉर्ट होती जा रही है। ठीक है ना, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये हो गया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडी में आप अपेंडिक्स का कोई काम नहीं, अपेंडिक्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे, तो इधर पे क्या होता है, आप जब सेल्यूलोज खाते थे, मतलब कच्चा खाना खाते थे, तो अपेंडिक्स काम क्या था, अब क्योंकि वो काम का है ही नहीं, तो जनरेशन बाय जनरेशन वो क्या होता जा रहा है, अक्वायर्ड ट्रेट। अब आप उस ऑर्गन को यूज नहीं करते तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। इवेंचुअली हो सकता है कुछ जनरेशन बाद अपेंडिक्स क्या हो जाए, गायब ही हो जाए। क्लियर है? पहले इतना ऊपर वाला लिख लिया है। इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, आने वाला है, छप चुका है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग तुम लोगों ने रिप्रोडक्शन में अलग पढ़ा है, यहाँ पर अलग।
बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तुम यही वाला आंसर दोगे जो कहाँ का है, रिप्रोडक्शन का, कहाँ का है, रिप्रोडक्शन का। जब क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है, जब क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है तो नए सेल बनते हैं, तो क्या बनते हैं, नए सेल बनते हैं। व्हेनेवर अ सेल डिवाइड्स, व्हेनेवर अ सेल डिवाइड्स, न्यू सेलुलर अपैरेटस इज क्रिएटेड। ठीक है, तो एक नया सेलुलर अपैरेटस क्या होता है, क्रिएट होता है। अभी जो नया सेल वाला स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, इसको अपने लिए क्या चाहिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसको अपने लिए क्या चाहिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा, अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो ये एक सेल है। एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं, दो। जब एक सेल से क्या बन रहे हैं, दो सेल बन रहे हैं। जब एक सेल से क्या बन रहे हैं, दो सेल बन रहे हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, डीएनए कॉपी नहीं होता है, तो अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो नए सेल को सही अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं मिलेगा, आधा ही डीएनए मिल पाएगा। तो पहले सेल के पास तो समझो एक्स अमाउंट ऑफ डीएनए। अब आपको जो दो नए सेल से दोनों को एक्स एक्स देना है, तो आपको पहले सेल में क्या करना पड़ेगा, इस एक्स का 2x बनाना पड़ेगा। अगर आप एक्स का 2x नहीं बनाओगे तो जो दो नए सेल बनेंगे उनको कितना मिलेगा, x/2 और x/2। बट हमको ऐसा नहीं करना है, इसलिए हम लोग क्या क्या करते हैं, सेल डिवीजन के पहले ही डीएनए की क्या करते हैं, कॉपी बना देते हैं, ताकि सारे सेल्स को इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए मिले। बोलो कोई परेशानी। सेकंड, डीएनए कॉपिंग जो होता है वो अपने आप में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। डीएनए कॉपिंग अपने आप में क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। और दुनिया में कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं होता, दुनिया में कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं होता है। और क्योंकि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं होता है, तो कुछ एरर्स होंगे, कुछ गलतियां होगी। और ये एरर्स और ये गलतियां किस चीज के लिए जरूरी रहती है, वेरिएशंस के लिए जरूरी होती है। और वेरिएशन सर्वाइवल में क्या करती है, हेल्प करती है। इज दैट क्लियर। बोलो कोई परेशानी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो क्वेश्चन आएगा क्या, हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस, या फिर आएगा हाउ डू जीन्स कंट्रोल ट्रेड्स। तो हम लोग बोलेंगे कि जो कैरेक्टर्स होते हैं या ट्रेड्स होते हैं वो काय पे डिपेंड करते हैं, अमाउंट ऑफ हॉर्मोन पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, हाइट की, तो आपकी हाइट जो होती है वो काय पे डिपेंड करती है, ग्रोथ हार्मोन पे। काय पे डिपेंड करती है, ग्रोथ हार्मोन पे। ठीक है ना, तो ये जो अमाउंट ऑफ हार्मोन है कि आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनेगा या फिर ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड करता है। काय पे डिपेंड करता है, एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से ये हार्मोन बन रहा है, अगर वो प्रोसेस एफिशिएंट हुई, अगर वो प्रोसेस एफिशिएंट हुई तो हार्मोन क्या बनेगा, ज्यादा, तो हाइट भी क्या होगी, ज्यादा। अगर वो प्रोसेस एफिशिएंट नहीं हुई तो हार्मोन क्या बनेगा, कम, तो हाइट भी क्या रह जाएगी, कम। अब हम लोगों ने बोला जो एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस है, ये किस चीज पे डिपेंड करती है, एंजाइम्स पे। किस चीज पे डिपेंड करती है, एंजाइम्स। एंजाइम्स का पे डिपेंड करते हैं प्रोटीन्स, एंजाइम्स का पे डिपेंड करते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स इवेंचुअली का पे डिपेंड करते हैं, जीन्स पे। और इस तरीके से जो जीन्स होती है हमारे कैरेक्टर्स और ट्रेट्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा, तो उसको 4 से 5 पॉइंट मिलोगे। कैसे लिखोगे, दैट कैरेक्टर्स और ट्रेड्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ हार्मोन, द अमाउंट ऑफ हार्मोन इन टर्न्स डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस मेकिंग इट, द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द एंजाइम्स दैट वर्क फॉर इट, एंड द एंजाइम्स डिपेंड्स ऑन प्रोटीन अवेलेबल, द प्रोटीन्स अवेलेबल इन टर्न डिपेंड्स ऑन द जीन्स फॉर दैट ट्रेड या फिर हार्मोन। दिस इज हाउ जीन्स कंट्रोल ट्रेड्स। इज दैट क्लियर। हाउ डज क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस प्रमोट सर्वाइवल, जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी उतने सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर सॉरी एनसीईआरटी के पेज नंबर 129 पे ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 भी है, जिसका आंसर क्या है, यही है कि हर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो एक परमानेंट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ क्या रहता है, अडेप्टेड रहता है। इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, निश कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो निशेस रहते हैं या ये जो एनवायरनमेंट होते हैं, कभी भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ये एनवायरनमेंट क्या हो सकते हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं। और इसके चेंज होने की रीजंस वो होते हैं जो इंसानों के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर चेंज हो गया, वाटर का लेवल चेंज हो गया, किसी मीटियोर ने क्या कर दिया, हमारे प्लेनेट को मार दिया, तो उस निश का, उस एरिया का या उस एनवायरनमेंट का सब कुछ बहुत ड्रास्टिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उस एनवायरनमेंट का सब कुछ क्या हो जाएगा, बहुत ड्रास्टिकली
चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस एनवायरनमेंट का सब कुछ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, तो सारी स्पीशीज क्या हो जाएगी, मर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी भी वेरिएशन होती है, थोड़ी भी वेरिएशन होती है, तो पॉपुलेशन के वो पॉपुलेशन के वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेरिएशन होती है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, अलग होते हैं, वो सर्वाइव कर लेते हैं, और सर्वाइव करने के बाद क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ताकि उस स्पीशीज के और बहुत सारे इंडिविजुअल्स बन पाए। इज दैट क्लियर? कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो फॉरेस्ट में रहने के लिए, डेंस फॉरेस्ट में रहने के लिए अडेप्टेड है, ठीक है, एक पूरी स्पीशीज है जो उस डेंस फॉरेस्ट में रहने के लिए क्या है, अडेप्टेड है। अब उस डेंस फॉरेस्ट में एक दिन ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, फॉरेस्ट फायर लग जाता है। अब उस फॉरेस्ट फायर की वजह से वो स्पीशीज है वो सारी की सारी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। लेकिन उस स्पीशीज में कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिनके पास फेवरेबल वेरिएशन थी, जो बहुत तेज भाग सकते हैं इन कंपेरिजन टू अदर्स, तो वो बहुत तेज भागे, वो फॉरेस्ट फायर को क्या करके गए, एस्केप कर गए। जब वो फॉरेस्ट फायर को एस्केप कर गए, तो एक तो उन्होंने सर्वाइव कर लिया, उसी स्पीशीज के बाकी ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। अब जब वो सर्वाइव किए, तो सर्वाइव करने के बाद उन्होंने क्या करा, रिप्रोड्यूस करा। सर्वाइव करने के बाद जब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, तो वो स्पीशीज की पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो ओवर द इयर्स कोई भी स्पीशीज पूरी तरीके से वाइप आउट नहीं होगी। इज दैट क्लियर? आया समझ में?